अगर आप सिर्फ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के बेसिस पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको सोलर की जरूरत है या नहीं, आपको सोलर लगवाने की जरूरत है या नहीं, तो शायद आप एक गलत डिसीजन ले रहे हैं। हाय, मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया सोलर। और आज की इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि आपको सोलर की जरूरत है या नहीं। सो अगर आप सोलर एडॉप्ट करना चाहते हैं, आप सोलर घर में लगवाना चाहते हैं, या फिर आप एक सोलर डेवलपर हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उससे ना सिर्फ आप अपने आप को बल्कि आप अपने क्लाइंट को भी एक बेटर कंसल्टेशन दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल सिर्फ इकलौता वो फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सोलर की जरूरत है या नहीं। रीजन बिंग, हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वो एक्चुअल अमाउंट नहीं होता, उसमें कुछ सब्सिडी पार्ट होता है। गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है जिससे हमारा एक्चुअल अमाउंट कम हो जाता है। हमें लगता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब्सिडी को खत्म कर सकती है या फिर उसे कम भी कर सकती है। तो अगर आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम लग रहा है क्योंकि आपको सब्सिडी मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आपको सोलर को लगवाने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज इसे आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। सब्सिडी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है जो कभी भी कम हो सकती है और हटाई जा सकती है। सेकेंड थिंग, लाइबिलिटीज। हम अपने घर में व्हीकल यूज करते हैं, चाहे फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, जो डीजल या पेट्रोल पे चलता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो साफ कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होने वाले। रीजन बिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। जाहिर सी बात है, एक एंड यूजर कस्टमर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कब अडॉप्ट करेगा, कब उसकी तरफ ध्यान देगा, जब पेट्रोल और डीजल एक वाइबल सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। इट मीन्स अगर एक पॉइंट पे आकर जब पेट्रोल और डीजल का प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि एंड यूजर उसे अफोर्ड ना कर पाए, तब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ध्यान देगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करे, इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट भी कर लेते हैं तो भी हमें समझने की जरूरत है कि उसका बैटरी चार्ज करने के लिए या तो आप चार्जिंग स्टेशन पे जाएंगे या फिर घर पे चार्ज करेंगे। दोनों ही जगह पर आप एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे कर रहे हैं, चाहे चार्जिंग स्टेशन पे करें या घर पे करें। इट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले लेते हैं तो वो भी आपको एक एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। एंड पेट्रोल डीजल पे आप कंटिन्यू करेंगे तो उनके तो दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो दाम है या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे उस पर जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसका जो चार्जिंग अमाउंट होगा वो आपके मंथली एक्सपेंडिचर में एडअप होता रहेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, हमारे घर के जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं और जो अप्लायंसेज होते हैं, हम इंडियंस एक चीज में बहुत बुरे हैं। हम कभी भी अपने कनेक्शंस का एएमसी नहीं करवाते, हम कभी भी अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का एएमसी नहीं करवाते हैं। हम किसी भी इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन को तभी बुलाते हैं जब कुछ फॉल्ट आ चुका होता है। हम ये कभी नहीं समझते कि पुराने अप्लायंसेज या पुरानी वायरिंग जो है, लूज वायरिंग जो है, वो कम से कम 10 से 15% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अगर हम एक रेगुलर चेकअप करवाते रहें अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का, अपने अप्लायंसेज को हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज से रिप्लेस कर दें, तो 10 से 15% तक हम बिजली बचा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट गैजेट्स आ रहे हैं, हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। हर एक टेक्नोलॉजी अपने साथ एक इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन लेकर आती है, चाहे आप स्मार्ट टीवीज ले लें या फिर स्मार्टफोन्स जो हमारे पास हैं, जितने भी स्मार्ट अप्लायंसेज हैं उनका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है जो आपके मंथली इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन में एडअप होता रहेगा। तो ये भी चीज बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है लाइफ चेंजिंग इवेंट। क्या अगले 5 से 6 साल के अंदर आपके साथ कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है, लाइक कि आपकी शादी होने वाली है, कि आप एक पेरेंट बनने वाले हैं, या फिर आप एक नया घर ले रहे हैं, या आप एक नई गाड़ी ले रहे हैं। ये सारे जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं इनका अपना एक इन्वेस्टमेंट होता है, और ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये इन्वेस्टमेंट आपके मंथली बजट पर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। इट मीन्स सब्सिडी देन आपकी लाइबिलिटीज, जैसे गाड़ी है या फिर आपके जो कनेक्शंस हैं, पुराने कनेक्शन हैं, पुराने अप्लायंसेज हैं, और लाइफ चेंजिंग इवेंट जो हैं, अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और उसके बाद अगर डिसीजन लेते हैं कि आपको सोलर की जरूरत है या नहीं, तब आप एक सही डिसीजन पे आ सकते हैं। सोलर क्या करेगा, आपके मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको खत्म कर देगा। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ चुका होगा, सोलर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पूरा फ्री कर देगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है। अगेन रिपीट करता हूं,
सब्सिडी जो कि कभी भी खत्म की जा सकती है, कम की जा सकती है। आपके पास अगर गाड़ी है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए भी आप एडिशनल पे करेंगे, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा, उसकी बैटरी चार्ज करनी होगी। आपके अगर लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहे हैं, आप पैरेंट बन रहे हैं, या फिर आपकी शादी हो रही है, या आप घर ले रहे हैं नया, या गाड़ी ले रहे हैं, इनका भी एक इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ आपके घर में जो पुरानी वायरिंग्स है या पुराने अप्लायंसेज हैं, इनकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है। ये सारे फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो आपके इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो प्लीज इन फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए और तब डिसाइड कीजिए कि आपको सोलर की जरूरत है या नहीं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को जान सके। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल इंडिया सोलर से हमारी कोशिश है कि हम एंड यूजर को सोलर के बारे में एजुकेट कर सकें, अवेयर कर सकें, जो सोलर इंडस्ट्री और एंड यूजर के बीच में एक इन्फॉर्मेशन का गैप है उसे फुलफिल कर सकें। और वो हम तभी कर सकते हैं जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप सोलर बिजनेस करते हैं तो प्लीज allindiasolar.in पे जाइए, ज्वाइन कीजिए हमें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपके बिजनेस की ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकें। सोलर एक सिंगल पर्सन गेम नहीं है, सोलर एक कम्युनिटी प्रोसेस है। वो तभी ग्रो कर सकता है जब हम और आप मिलकर काम करेंगे। थैंक यू।